अबे साले खोल बे। ओए अबे खोल ना, खोल रहा है कि नहीं? बदबू आ रहा है बे, खोल। मैं वॉशरूम में बंद करके चले गए। Hey, what's up? Good morning, guys. Welcome back to another vlog. So, guys, आज है मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे। तो क्या नाचो मैं? और मैं काफी लेट हो गया हूँ, बिकॉज गाइज मैं सो गया था, 8 बज चुके हैं, मुझे 8:30 बजे यहाँ से निकलना है। जल्दबाजी में आता हूँ, निकलते हैं। गाइज ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ देते हैं क्या करना है। तैयार हो चुका हूँ, वाला फुल टू वॉच वो सब ले लिया और ड्रेस भी पहन लिया, बैग भी टांग लिया, तो चलते हैं आप, बिकॉज 8:30 बज चुके हैं और बस भी लेट हो जाऊंगा। चलो भाई, बस स्टैंड आ चुके हैं, तो गाइज बस भी मिल चुकी है, बस में चलते हैं। बस से आ चुका हूँ, अब चलते हैं। पता नहीं गाइस क्या निकल रहा है, बट कुछ सो यात्रा निकल ली आई थिंक। सो गाइस बस आ चुकी है, अब ऐसा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज समझ रहे हो टीचर वगैरह आते हैं ना। गाइस कॉलेज के गेट ही नहीं खुले। सो फाइनली गाइस गेट खुल चुका है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितनी तादाद में एक साथ अंदर जा रहे हैं। कॉलेज में आने के बाद अब जा रहे हैं क्लास में, बिकॉज अभी प्रेयर हुआ था। सो गाइस आज हमारा क्लास में फर्स्ट डे है, बस कोई नहीं है, बस मैं हूँ, ये है और 2-3 लड़के और हैं जो आ रहे हैं बस। हेलो, व्हाट्सअप कर्मेंद्र है, विनोद है और अभिषेक है, और एक लड़का और आए थे। गाइस धूप पड़ रही है, बिकॉज समर वेकेशन स्टार्ट, समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो काफी भयंकर धूप पड़ रही है ऊपर से। क्लास में खाली खाली बैठे बैठे हमको बोरिंग हो रहा था, तो कर्मेंद्र कर रहा है इसको सॉल्व, अब पता नहीं कर पाता है कि नहीं कर पाता। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सो गाइस अब बनाएगा विनोद। कैसे आज चला रहा है, ऐसे 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 मैं चला नहीं पाऊंगा। जल्दी पास में बना वाइट बनने वाला है। नहीं मेरा मैक्सिमम काम 1 मिनट हो गया गाइस। बना दिया वाह नाइस गुड इसने बना दिया, अच्छा बना है। तो गाइस काफी टाइम के बाद अब टाइम मिला है, 1 बज चुका है, आई थिंक बस तो मैं नहीं आया हूँ, तो 1:30 बजे अब लंच करेंगे, बिकॉज अभी क्लासेस लग रही थी हमारी, तो हम चलते हैं थोड़ा बाहर, पानी वगैरह पी के आते हैं, फिर खाना खाते हैं। हिम्मत कैसे हो? अबे सारे खोल बे। ओए ये क्या हो गया? अबे खोल ना, तेरा तो गेम बजाना पड़े। अबे खोल रहा है कि नहीं? नहीं गाइस अंदर बंद कर दिया मुझे, आई डोंट नो व्हाई बट दे लॉक मी। बदबू आ रहा है भाई, खोल खोल ले गुलशन। नहीं अभिषेक, गाइस मतलब ये मुझे वॉशरूम में अंदर बंद करके चले गए सारे। अबे खोल ना, तभी मैं बाहर प्रेफर करता हूँ। साला बाहर से लगा दिया, ऊपर से कूद गया ना लिटरली, इन्होंने देखा कूद गया है ना भाई, कूद गया है ना, सच से बता ना गुलशन। मिलेगा वीडियो रे इसे तुमको, नहीं तू बता पहले ऊपर से कूद गया कि नहीं। बस चलो गाइस कॉलेज का हाल देखिए, ये मतलब नल पूरा भरा हुआ है पानी, लीकेज हो गया, लीकेज नहीं बंद हो गया, बंद। बोर्ड पे भी लिखा है लेट्स लंच, तो चलिए खाना खाते हैं, बिकॉज काफी भूख लग रही है। सुबह से मैं खा के नहीं आया, सिर्फ चाय पी के आया था सिर्फ, और ब्रेकफास्ट में मैंने कर लिया था सिर्फ 1 समोसा बस। खाना खा लिया, अब उसको रखते हैं इसमें अंदर। सो गाइस हम अभी क्लास में सिर्फ 6 या 4 लोग हैं, बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या ही बताऊं, ना टीचर्स आ रहे हैं, बस पहले अटेम्प्ट में टीचर आए थे, अब तो पता नहीं कौन आ रहा है, अब तो मैं घर पे जाने की सोच रहा हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तो जैसा कि आपको पता है आज क्लास में 6 लोग आए सिर्फ, तो मैं और मैं मतलब ये और मैं जा रहे हैं घर पे, मन नहीं लग रहा है हमारा, तो ये लग रहा है हमारी एप्लीकेशन। गाइस ये लड़का देखो क्या देख रहा है, टॉम एंड जेरी देख रहा है गाइस, आवाज आ रही है। सो गाइस एप्लीकेशन लिखने वाली है जस्ट। सो गाइस एक पोपट हो गया, बिकॉज मैं अंदर लग गया था ना, तो यहाँ पर लगा टू द क्लास कोऑर्डिनेटर, बट मैम ने बोला कि टू द प्रिंसिपल लिख के ले जाना है, मैं हर बार प्रिंसिपल ही लिखता था, लेकिन कर्मेंद्र ने कोऑर्डिनेट कर दिया। फाइनली गाइस बहुत सारी खुशी हो रही है, बिकॉज हम देर में आ चुके हैं, और हमारे कॉलेज से गाइस हमको वैसे दिन में छुट्टी बहुत कम मिलती है, और बाकी कॉलेज जो होते हैं ना उनमें तुम कभी भी जा सकते हो, बट हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारा कॉलेज रेगुलरिटी पे आधा रहता है, तो रेगुलर रहना पड़ता है टाइम टू टाइम विथ डिसिप्लिन गाइस, दैट्स व्हाई। सो पोपट हो गया, पीछे अंकल बैठे हैं ना, अंकल तो उठ गए, मतलब पीछे जो अंकल बैठे हैं ना, हमने एप्लीकेशन लगा था, एप्लीकेशन में मैम ने
साइन नहीं किया, मतलब साइन नहीं किया, तो मैम ने नाम में से मेरा फेस देखा था, मुझे आकाश बाहर खड़ा था, तो अंकल मैम को हमने दोबारा फोन लगाया था, मैम बोल रही है कि नहीं शिव कुमार सिर्फ तुम्हारे लिए अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है एक्सेस था उसके लिए नहीं, तो अब दोबारा कॉलेज में जा रहे हैं, अब इसके लिए भी एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, मतलब टाटा फेस हो रहा है, बस धूप पड़ रही है, धूप से कॉलेज लौट के आ गए। सो फाइनली गाइस साइन करा के दम निकली है, उन अंकल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलते हैं। सो गाइस कॉलेज से बाहर तो आ चुके हैं, गलियों में आ जाऊँ, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और मनीष मिल गया था, साइकिल से जा रहा हूँ मैं उसके साथ, बिकॉज साइकिल से बोला था तो साइकिल से जाऊंगा, तो घर पे चलते हैं। सो फाइनली गाइस गांव में आ चुका हूँ, घर भी आ चुके हैं। अभी तक हंसी आ रही है, क्यों उन लड़कों ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था। रुक जा। सुबह में आते ही सीधा सो गया था, जब उठा हूँ तो आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, सारे लोग अपनी गली में बैठे हैं। तो क्या करूँ, नहाऊं? सुबह से स्कूल लोगों हमको ले जाना, नीचे स्कूलर रख दिया, आप चलते हैं शॉप, दुकान पर चलते हैं। आप शॉप पर आ चुके हैं, सुबह शॉप से तो आ चुके हैं, बट कुछ मिला नहीं है, खाली हाथ देखो। मगर क्यों? बिकॉज जो लेने गया था वो था ही नहीं शॉप पर। सो गाइस चाय पीते हैं, चाय फिनिश। गाइस अभी पापा आ गए हैं, तो पापा के आ गए तो मैं घर में वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो मैं छत पे जा रहा हूँ, छत पे पानी भर रहा है और हाथ में भर रहा है। सो गाइस पता है पापा के आगे वीडियो क्यों नहीं बनाता, बिकॉज पापा इसके खिलाफ है बिल्कुल, पापा बिल्कुल भी नहीं कहते कि वीडियो बना नहीं बना, तो पापा के आगे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाता। तो वो गाइस आज का वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं तो ब्लॉग में, तब तक लिए बाय। Thank you.